पिता ने पुत्र पर धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पड़ोसियों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजादपुरा का है, जहां एक पिता ने ही अपने पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे मोहल्ले वासियों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत में सुधार बताया जा रहा है। घायल ने बताया कि उसकी मां के देहांत होने के बाद पिता ने दूसरा विवाह रचाया था। सौतेली मां का उसके साथ व्यवहार शुरू से ही खराब था और वो मुझे जान से मारकर पिता की जायदाद हड़प करना चाहती थी और पहले भी उसे जान से मारने की कोशिश कर चुकी है, जिसकी सूचना कोतवाली में भी दर्ज करा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण उसके हौसले बुलंद हैं। आज आधी रात के बाद सौतेली मां के इशारे पर उसके पिता ने धारदार हथियार से उस पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी पिता की तलाश में दबिश दे रही है। जो अभी हमारी दूसरी माँ है उनका नाम है गीता देवी अग्रवाल। तो हमारी दूसरी माँ हमेशा से वो जान से मारने की धमकी देती थी और मानना चाहती थी, कई एक बार ऐसा कर भी चुकी थी। इसकी हमने एप्लीकेशन भी दी थी आरआई साहब को, एसपी साहब को, तो इनने अपने अहदे का फायदा उठाकर और उसका अनादर करके फिर उसको एफआईआर का कुछ नहीं किया। अब विगत रात करीब 3 बजे ये आए धारदार हथियार लेके और इन्होंने हमारे गली पे प्रहार किया। जान से मारने की पूरी कोशिश की, किस्तान के फोन पे बात करके फिर तुरंत भाग गए। फिर हमारे पड़ोसियों की सहायता से वो हमें लेके आए और ये हमारी 2022 में पिता जी का रिटायरमेंट है, तो माँ का ये विचार है कि इसको किसी न किसी तरीके से खास से हटाए।